शिव और रुद्र को कालिंदी से पता चल जाता है कि वो कौन है जिसके कहने पर कालिंदी ने राज को फंसाया। उसे पकड़ने के लिए रुद्र और प्रिशा उसी होटल में रुक जाते हैं जहाँ कालिंदी रुकी है। जब रुद्र प्रिशा के रूम के लिए पे करने जाता है, प्रिशा कहती है कि उसके रूम के लिए वो खुद पे करेगी। जब प्रिशा होटल में पेमेंट करती है, अरमान को होटल के बारे में पता चल जाता है और रुद्र कालिंदी के कमरे में जाने के लिए होटल की खिड़की से बाहर जाता है और रुद्र के पैर फिसल जाता है। तब प्रिशा और पीयू रुद्र को खतरे में देखकर रुद्र के लिए कंसर्न हो जाते हैं। क्या रुद्र कालिंदी का सच जान पाएगा? क्या रुद्र के तरकीब से प्रिशा को सब याद आ जाए? वैसे सीरियल ये है चाहते में आज पीयू रुद्र के साथ मिलकर प्लान करते कि कैसे कालिंदी को पकड़ा जाए। रुद्र इन्वेस्टिगेटर से पता कर लेता है कि कालिंदी कहाँ है और रुद्र पीयू को प्रिशा को भी साथ लाने के लिए कहता है। इसीलिए पीयू और प्रिशा अरमान से झूठ कहते हैं कि उन्होंने गर्ल्स डे आउट प्लान किया है। प्रिशा रुद्र को उसकी गर्ल्स फैंस के साथ देखकर जेलस फील करती है और वंशिका को सजेस्ट करती है कि रुद्र से दूर हो। रुद्राक्ष प्रिशा को याद दिलाने की और खुश रखने की कोशिश करता है। प्रिशा भी रुद्र को पहचानने की कोशिश करती है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या रुद्राक्ष कालिंदी का सच पता कर पाएगा कि अरमान ने ही कालिंदी को राज को फंसाने के लिए कहा था, या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा सीरियल में। क्या प्रिशा रुद्र को याद कर पाएगी? जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।